भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीन मैचों की T20 सीरीज के दूसरे मैच में ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। ऑस्ट्रेलिया ने आज अपनी टीम में बाएं हाथ के तेज गेंदबाज बेहरेंडॉर्फ को शामिल किया, जिन्होंने पहले ओवर में ही टीम इंडिया को झटके में झटके दे दिए। आपको बता दूं कि विराट कोहली तो खाता भी नहीं खोल पाए और शून्य पर पवेलियन लौट गए। उसके अलावा रोहित शर्मा को भी बेहरेंडॉर्फ ने LBW कर 8 रनों पर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। उसके बाद उम्मीदें लग रही थी कि मनीष पांडे कुछ देर भारतीय टीम को बचाएंगे, लेकिन मनीष पांडे भी महज 6 रन पर चलते बने और ऐसे टीम इंडिया मुश्किल परिस्थिति में आ गई। टीम इंडिया ने 16 रन पर ही, ऐसे में कहीं ना कहीं आने वाले बल्लेबाजों पर दारोमदार है। आगे महेंद्र सिंह धोनी है और हार्दिक पांड्या बचे हुए बल्लेबाज। देखना होगा कि ये बल्लेबाज टीम इंडिया को कहां तक ले जाते हैं, क्योंकि जिस तरीके से बेहरेंडॉर्फ ने टीम इंडिया को तहस नहस कर दिया है, उससे कहीं ना कहीं अब टीम इंडिया दबाव में है। इस खबर में इतना ही, लेकिन इस खबर को लाइक और शेयर कीजिए और हेडलाइंस स्पोर्ट्स को भी सब्सक्राइब कीजिए। इस खबर में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप भी अगर क्रिकेट के शौकीन हैं तो हेडलाइंस स्पोर्ट्स को बिल्कुल फ्री में अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि क्रिकेट की सबसे तेज खबरें यही मिलेंगी।